हे बड़े व्हाट्सअप गाइस। तो गाइस आप लोग कैसे हैं? मुझे लगता है आप लोग जरूर बढ़िया होंगे। तो आप लोग देख सकते हैं ना गाइस, मैं अभी कहाँ पे बता दो क्या? हाँ जी हाँ, बता देता हूँ आप लोगों को कि मैं अभी यहाँ साखिया डैम में हूँ। क्या यार, गजब का नाम है यार। साखिया एक एक्ट्रेस का नाम हो सकता है, लेकिन भाई ये डैम का नाम है यार। ये है हम लोग के क्षेत्र में पड़ता है लसिया। क्या आप लोग लसिया के बारे में जानते हैं? नहीं जानते हैं ना। लसिया है, सिमडेगा जिला में पड़ता है। तो ये है हम लोग का साखिया डैम। यहाँ का आप लोग नज़ारा देख सकते हैं, पक्का दिख रहा होगा, दिख रहा होगा ना। बहुत इधर का एरिया बहुत खूबसूरत है भाई, क्या बताएं आप लोगों को। यहाँ का सिनेमेटिक व्यू तो माशाल्लाह, क्या वही बोले। यहाँ का लोकेशन बड़ी मस्त है यार, आप लोग देख सकते हैं। रुकिए जरा, थोड़ा सा वक्त दीजिए मुझे, आप लोग को ज़रूर दिखाऊँगा। तो आप लोग देख सकते हैं, अपन दोस्त के साथ आया है अपन अर्पण भाई। क्या अर्पण भाई, एक नंबर, क्या हाल है भाई? नंबर भाई, एक नंबर भाई, पूरा तैर रहा भाई, पूरा मजा ले रहा पानी में। और आप लोग यहाँ का सिनेमेटिक व्यू को देखिए गाइस, देख सकते हैं ओवरऑल लोकेशन यहाँ का, मतलब उधर पत्थर ही पत्थर है, चट्टान वगैरह है, और साथ में इधर डैम, वो पत्थर के नीचे जस्ट है, बस धुरवा डैम के जैसे ही है। देख सकते हैं वो लोग पत्थर से पाटा हुआ है। और यहाँ का ओवरऑल लोकेशन देखिए, बहुत बड़ा क्षेत्र में ये साखिया डैम, और ये चट्टानों से मतलब पहाड़ पर्वतों से ये डैम घिरा हुआ है। और देखिए वहाँ पे शायद मछली वगैरह पाला हुआ है वहाँ पे। हम लोग नहीं जाएंगे यार, बहुत दूर भी है और डेंजर भी जगह है। और देखिए ओवरऑल लोकेशन एक बार फिर से यहाँ का दिखाना चाहूँगा मैं आप लोगों को। उधर भी मछली पालन होता है, और साथ में देखिए यहाँ का खूबसूरती को देखिए, पेड़ है, जंगल है, पहाड़ है, पर्वत है, और साथ में ये हमारा साखिया डैम है, जो कि फेमस नहीं है आप, ठीक है, फेमस हो जाएगा यार आने वाले समय में, यही डैम चमकने वाला है भाई। आप लोगों को क्या लगता है, होगा कि नहीं होगा? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए ये लोकेशन कैसा रहा, ठीक है। और साथ में फिर से एक बार यहाँ का आप लोग सिनेमेटिक सीन को दिखा रहा हूँ मैं, देख सकते हैं उधर क्या ही नज़ारा है। और रुकिए, अभी तो हम लोग नीचे जाएंगे ना उधर वो साइड में, तो वो साइड में तो और अच्छा है भाई व्यू वहाँ का। फिलहाल तो डैम में बने रहिए और डैम का वीडियो भी देखिए और आप लोग इंजॉय कीजिए। तो गाइस अपन भाई के शादी में आया था, बोले तो पीके भाई के शादी में आया था। क्या बोलता है पब्लिक, मचाएंगे और दूसरों को जरूर नचाएंगे यार, समझो यार तुम। अपन पीके भाई के शादी में आए थे और यहाँ पे पता चला कि बगल में एक डैम भी है, ठीक है। तो डैम में आप लोगों को दिखाने के लिए मैं यहाँ पे लेके आया हूँ, साथ में दो बंदा और हैं, मिलवाएंगे जरूर, ठीक है। तो वीडियो में बने रहिएगा और तब तक के लिए मस्ती कीजिए, डैम का वीडियो में आनंद लीजिए, और गोपाल सिंह नागपुरी ब्लॉग में आप लोग बने रहिए। हाँ, याद कीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, और बेल आइकन को जरूर दबाए। जो बोले थे तभी भाई लोग साथ मिलाएंगे। तो ये है हमारे पीके वाला, बोले तो पीके भाई है, और इधर आकाश भाई है, और इधर विजय भाई है। क्या भाई, कुछ तो बोलो यार, तुम लोग इतना खामोश का है। बढ़िया, एक नंबर, माइंड ब्लोइंग। और यहाँ पे देख सकते हो पीके भाई का बगान आए हुए हैं, और शादी का बहुत बहुत पीके भाई बधाई आपको, ठीक है। हाँ, तो मिठाई उठाई खियाओ यार, कैसे हुई काम इसन में? अरे मिठाई अच्छा, तो देख सकते हैं आप लोग यहाँ पे बहुत सारा आम का पेड़ है, और आम से लदा हुआ है ये। ओवरऑल लोकेशन यहाँ का क्या देखिए, ये है नज़ारा। और इधर ट्यूशन पॉइंट भी है, यहाँ पे ट्यूशन का क्लास वगैरह चलता है, कोचिंग, देख सकते हैं पूरा। ये हुई हमारे बगान का नज़ारा। Tomorrow.
हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप लोग? आप देख सकते हैं यहाँ पे हम लोग चारों दोस्त अपना अपना बिजी है, समझा ना। कल वाला जो मेंशन किए थे वीडियो, ये दोस्त लोग हैं। तो हम लोग सुबह के क्या बोले, सुबह की क्या ताजी हवा के साथ अपना कार में सफर कर रहे हैं। इधर देखो भाई, अरमान तुमने दिख रहा है क्या? अरे सार के ठंडा लग रखा है तुमको, क्या ठंडा लग रहा है। तो वीडियो को भाई लोग यहीं तक एंड करेंगे, और साथ में पीके भाई का शादी में लोग बहुत मस्ती किए, एंजॉय किए, और फिर से एक बार पीके भाई को अपना शादी का बधाई देना चाहेंगे। और वीडियो को अंत करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। जोहार झारखंड, जय झारखंड।